सिंचाई विभाग सिंचाई विभाग भ्रष्टाचार बंद करो भ्रष्टाचार बंद करो। शिवसेना और किसान नेताओं द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के नाम सौंपा गया ज्ञापन पत्र। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामगंगा बैराज कालागढ़ से निकली नहर की सफाई और रामगंगा नदी जो कि ग्राम मुरलीवाला के जंगल की पहले ही हजारों बीघा जमीन बहाकर ले जा चुकी है पर बंदे के निर्माण के संबंध में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राकेश कुमार को ज्ञापन पत्र सौंप कर अपनी विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी देकर शिवसेना नेता संजय राणा ने बताया कि 2010 में आए तेज पानी के बहाव में लड्डूवाला से ग्राम मुरलीवाला के जंगल के समीप ही रामगंगा नदी का पानी चल रहा है। ना जाने कब नदी अपना रौद्र रूप अपना ले और हजारों बीघा जमीन पहले की तरह पानी में बहाकर ले जाए। उनके अनुसार इस नदी की सफाई होना आवश्यक है। ज्ञापन पत्र सौंपने वालों में संजय राणा, मदन सिंह, गौरव प्रजापति आदि शामिल रहे। क्या नाम है आपका? संजय राणा। संजय जी, आज सिंचाई विभाग धामपुर में ज्ञापन सौंपा है आपने, क्या है पूरा मामला? मामला ये है जी, हमारे यहाँ नहर की तो सफाई नहीं है। पहली बात तो यह है कि हमें 26 तारीख से पानी देना था, उन्होंने पानी नहीं दिया। सफाई नहीं है किसी भी नहर की। हमारे यहाँ नहर की इतनी हालत ख़राब है कि उसमें झूठ झंकार सिंबल के पेड़ तक जम चुके हैं। नहर का अगर आप देखना चाहोगे तो ये पता लगेगा कि नहर अगर ढूंढोगे इसको तो वो नहर भी नहीं मिलेगी। ये नहीं पता कि नहर है कहाँ, इतना झाड़ झंकार खास फूस खड़ा हुआ। किसान की बहुत हालत ख़राब है। कई बार तो ऐसा हुआ किसानों के खेत में पानी छोड़ दिया, उन्होंने नहर टूटी है, जगह जगह दो दो बार पानी भर गया, जिनके गेहूँ थे वो बर्बाद हो गए। छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास चार चार पाँच पाँच बीघे ज़मीन है, उनके पास खाने के लिए गेहूँ भी नहीं आने वाले समय के लिए। क्या नाम है आपका? मदन सिंह जी। मदन जी, आज धामपुर सिंचाई विभाग कार्यालय में आए हैं, ज्ञापन सौंपा है किसान नेताओं ने भी, शिवसेना के नेताओं ने भी ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? ये नहर की सफाई के बारे में है। एक तो 26 सितंबर के बाद में नहरें बंद हो जाती हैं, उसके बाद इनका टेंडर होता है सफाई के लिए, वो सफाई भी नहीं हुई, उन्होंने पानी पहले ही छोड़ दिया और खेतों में जो लोगों के खेतों में भरा पड़ा पानी जगह जगह, नहर टूटी है बरसात की, वे भी पूरी मरम्मत नहीं हुई, नहीं सफाई हुई है, और पानी समय से छोड़ने की वजह भी देर से छोड़ा गया है और फिर सफाई नहीं हुई, खेतों में नुकसान कर रहा पानी, उसी के बारे में ज़्यादा।